हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और काफ़ी समय बाद आज फिर मैं बना रही हूँ। मुझे लगा आज एक ऐसा वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको अपने लिए संदेश पता चल जाएगा। समय के हिसाब से जो भी स्थिति आपके जीवन में चल रही है उस हिसाब से, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रहा है उस हिसाब से आपके लिए क्या संदेश है। और सच मानिए बहुत ही अच्छा संदेश है। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो देखिएगा आपका मन भी शांत होगा। साथ में जैसी भी स्थिति आपके जीवन में है उसमें आपको एक हिम्मत मिलेगी, एक विश्वास मिलेगा, जीवन में एक नई रोशनी मिलेगी। तो बहुत सारी बातें हैं, आपको पता है, आपने इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों ही तस्वीर में से जो आपको सही लग रही है आज के लिए आप वो तस्वीर चुन लीजिए और फिर देखिए उस तस्वीर में क्या संदेश है आपके लिए। साथ में आप ये भी बताइएगा कि आपसे कितना ज़्यादा मैच किया है ये सब कुछ, और अगर मैच किया है तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या पता चलता है कि आपके लिए जो तस्वीरें हैं उसमें से आपके लिए क्या संदेश आया है। तो जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर चुनी है, सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नंबर दो वालों के लिए क्या संदेश है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन लोगों ने भी तस्वीर नंबर पहली को चुना है, जिसमें राधा कृष्ण जी की तस्वीर है। राधा जी की नहीं, कृष्ण जी की तस्वीर है, जो मुरली अपने हाथों में लिए हुए हैं और बजा रहे हैं। आपने ये वाली तस्वीर अगर चुन ली है तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए संदेश क्या है। तो ये है वो तस्वीर, राधे राधे। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख के जाइएगा, कृष्ण जी की इस तस्वीर को आपने चुना है। आइए देखते हैं आपके लिए संदेश क्या है। खुद को कृष्ण से जोड़ लीजिए, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दीजिए। लग रहा है इस समय आप बहुत सारी समस्याओं से आपका मन भरा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा है, बहुत सारी बातें एक साथ आपके दिमाग में चल रही हैं। तो ये संदेश आपको बता रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कृष्ण से खुद को जोड़ लेना है और सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देना है। यानी जो भी समस्याएं हैं आपको ये कह के छोड़ देना है कि अब जो कृष्ण चाहें, अच्छा चाहें, बुरा चाहें, जैसा भी समय चाहें, वो सब कुछ कृष्ण के ऊपर है। आप अपने जीवन को, अपनी समस्याओं को कृष्ण को सौंप दीजिए, खुद को कृष्ण से जोड़ लीजिए और बाकी सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख के जाइएगा। ये संदेश आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बता के ज़रूर जाइएगा। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा, और जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है ये संदेश कहीं ना कहीं आपको उससे जोड़ रहा होगा और आपको बता रहा है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो फिर से मैं आपको एक संदेश को फिर से पढ़ के सुनाती हूँ, अगर आपको ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर कि आपको क्या करना है। खुद को कृष्ण से जोड़ लीजिए और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दीजिए। तो आपने चुना था तस्वीर नंबर वन। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी ये वाली तस्वीर चुनी है और आपके लिए क्या संदेश है, इस स्थिति के हिसाब से क्या संदेश है, जो भी समय चल रहा है उस समय के हिसाब से आपके लिए क्या संदेश है। अगर आपने की तस्वीर चुनी है तो चलिए देखते हैं आपकी इस तस्वीर में क्या संदेश है आपके लिए। तो आपके लिए संदेश है, वजह ना पूछो मुस्कुराने की, हो सके तो वजह बनो मुस्कुराने की। हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं काफ़ी समय से चली आ रही हैं, आपने जीवन में कभी भी खुशी महसूस नहीं की हैं, आपको हमेशा शिकायत होती है जीवन से कि आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला। हम मुस्कुराएं तो क्यों मुस्कुराएं, हमारे जीवन में ऐसा क्या है कि हमें मुस्कुराना चाहिए। आपका मन हमेशा निराशा से भरा रहता है। तो ये संदेश आपसे कुछ कह रहा है, इस संदेश की गहराई को समझिए। वजह ना पूछो मुस्कुराने की, हो सके तो वजह बनो मुस्कुराने की। तो वही करना है आपको भी, जीवन में कोई भी खुशियां नहीं है, जीवन में चारों तरफ निराशा ही निराशाएं हैं, असफलता ही असफलता है, लेकिन फिर भी आपको मुस्कुराना है। और देखिएगा जब आप ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी जो आप जीवन से चाहते हैं। तो फिर से मैं पढ़ती हूँ आपके इस संदेश को, वजह ना पूछो मुस्कुराने की, हो सके तो वजह बनो मुस्कुराने की।
तो ऐसा आपको करना है, ऐसा कोई काम कीजिए जिससे आपको देख के लोग मुस्कुराएं। तो हो सकता है आप ऐसा काम कर भी रहे हो फिर भी आप सफल ना हो रहे हो, तो इंतज़ार कीजिए अपने वक्त का। वक्त आता है, सबका आता है, अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। तो बुरे वक्त में इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं।